हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये वीडियो एक ब्लॉग टाइप की रहेगी। आज मैं जाने वाला हूँ क्रोमा, करोलबाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे ही है। वहाँ पे मैं आईफोन 13 सीरीज़ के प्राइस देखता हूँ क्या है, देखने जाऊँगा वहाँ पर कि किस प्राइस में मिल रहे हैं, क्योंकि अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे अदर जो ऑनलाइन जो है स्टोर हैं वहाँ पर काफ़ी थोड़ा प्राइस ठीक है, लेकिन ऑफलाइन स्टोर में जो है काफ़ी महंगा है। और अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो आपको पेमेंट का थोड़ा इशू रहता है, ऑनलाइन पेमेंट या फिर कैश इतना क्या सीओडी इतनी जो है अवेलेबल नहीं रहती है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि जो है आईफोन 13 सीरीज, 13 मिनी, 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स किस प्राइस में अवेलेबल है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आईफोन से रिलेटेड ऐसी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ से हम चलेंगे शंकर रोड पर, वहाँ से लेंगे ई रिक्शा और उसके बाद चलेंगे करोलबाग मेट्रो। कुछ जो है फूड भी हम खाएंगे वहाँ पे, फास्ट फूड, छोले कुलचे वहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं वो खाऊँगा, पानी पूरी भी खाऊँगा। और फिर चलेंगे क्रोमा में, देखते हैं क्या प्राइस, आई थिंक काफ़ी महंगा है वहाँ पे, फिर भी देखते हैं क्या सीन मिलता है वहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे शुरुआत करेंगे आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये रखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। और मैं वाइड एंगल में जो है शूट कर रहा हूँ, जिस वजह से जो है साइज़ थोड़ा जो है छोटा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे फ़ोन तो बहुत ज़बरदस्त है, 128 GB के वेरिएंट जो होते हैं बेस वेरिएंट, वो इन लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखे है। तो ये फ़ोन गाइस बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर इसको आप चेक करोगे जो है, यहाँ पे देख सकते हो 13 प्रो मैक्स 1,26,900 रुपये का ये आईफोन मिल रहा है यहाँ पे। बट यही फ़ोन अगर आप जो है फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे लेते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 1,20,000 रुपये के आसपास जो है ये फ़ोन है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ आईफोन 13 प्रो की, ये ग्रीन कलर में रखा हुआ है यहाँ पे, और फ़ोन सेम टू सेम वैसे ही है। वैसे ही यहाँ पे क्रोमा की एक बात मुझे अच्छी लगती है, मतलब वैसे तो ये सारे जो है स्टोर से ओरिजिनल पीस ही देते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कई बार ले गया हूँ तो मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा ओरिजिनल लगता है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। आप कोई भी प्रोडक्ट जो है लेके जाओ, मैं यहाँ से स्पीकर लेके गया हूँ, फ़ोन भी कई सारे लेकर गया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स अपडेट जो है लेटेस्ट, ये लोग भी चला रहे हैं, मैं अपडेट पर ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो ये ऑटोमेटिक भी हो जाते होंगे। फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग देख सकते हो आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरे वगैरह बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे इसका जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है 13 सीरीज़ का, वो है सिनेमेटिक मोड। तो फ़ोन तो बहुत प्यारा है, जिन लोगों को लेना है तो वो लोग जो है, अगर नहीं अभी लेना चाहते हो तो एक बार अगर आपके आसपास कोई स्टोर है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो 1,16,900 रुपये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है आईफोन 13 प्रो की, 128 GB वाला वेरियंट जो है 1,16,900 रुपये, ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। HDFC के कार्ड पर आपको जो 3,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा अगर आप जो है डेबिट कार्ड पर EMI वाला करवाते सिस्टम तो। और यहाँ पर भी आप लोगों को जो है 13 प्रो मैक्स पे भी 3,000 रुपये का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा अगर आप EMI कराते हो। तो
तो आगे चलिए बात करते हैं आईफोन 13 की। यहाँ पे 70,900 रुपये लिखा है, बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है। यहाँ पे 64,000-65,000 रुपये में फ़्लिपकार्ट और अमेज़न बेच रहे हैं, और यहाँ पर भी 4,000 रुपये का कैशबैक जो है मिल जाएगा आपको जो है HDFC के डेबिट कार्ड पे अगर आप EMI में लेते हैं। तो 4,000 रुपये का कैशबैक है, तो ये मिल जाएगा आपको जो है 67,000 रुपीज़ का। तो 67,000 रुपये भी महंगा आईफोन 13 सीरीज़ के लिए भी। अभी मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट करो, मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ कि जो है आईफोन लेने का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, बिग बिलियन डेज, सबसे सस्ते आईफोन मिलते हैं। उतने अच्छे सस्ते आईफोन मुझे नहीं लगता कोई स्टोर वाला जो है साल भर कहीं देता होगा। तो ये इन्होंने सारे जो फ़ोन है वो अपना 128 GB वाला वेरियंट लगा रखा है, 15.6 नए फ़ोन है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है ये। तो सब कुछ अच्छा ही है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं तो मेरे हिसाब से आपको आने वाली सेल का जो है वेट कर लेना चाहिए। कैमरे की क्वालिटी आईफोन 13 की भी बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट कैमरा तो आईफोन 13 का 13 प्रो का सेम ही है, आपको फ़ोटोज़ देख सकते हो कितनी क्लियर है। यहाँ पे आके देखोगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो इसमें जो पड़ी हुई होती हैं, खींची हुई होती हैं इसी फ़ोन से, बहुत अच्छी होती हैं। मतलब वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि फ़ोन से फ़ोटो किस तरह से जो है लेनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें भी लेटेस्ट जो है वो अपडेट चल रहा है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है 70,900 रुपये, और अगर आप जो HDFC कार्ड है तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगली चीज़ आईफोन 13 मिनी है, 65,900 रुपये, और अगर आप जो है EMI पे लेते हैं तो 5,825 रुपये। सेम ऑफर जो HDFC का, 4,000 रुपये का कैशबैक ऑन EMI पे। तो ये चीज़ अच्छी है, अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप कैश पे लेते हो तो 65,900 रुपये का पड़ेगा आपको ये आईफोन, काफ़ी महंगा आईफोन लग रहा है। और ये 65,900 का नहीं, आई थिंक जो है ये 70,000 रुपये का पड़ेगा। 65,900 रुपये आपको जो है EMI पे मिलेगा। तो फ़ोन जो है काफ़ी महंगे हैं, यहाँ पे जो प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ इन पे जो है ये ऑफ़र के साथ वाली प्राइस है। आपके पास जो है ये जो प्राइस आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये HDFC के डेबिट कार्ड के साथ में है। अगर आप जो है कार्ड नहीं लेते हो, मतलब ऐसे ही कैश में लेते हो, तो नीचे वाला जो ऐड रखा है 4,000 रुपये, वो आप ऐड करते जाना हर प्राइस के साथ में जो ऊपर लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो आईफोन है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं विदाउट एनी कार्ड, मतलब HDFC का अगर आप कार्ड नहीं लगाते हो, ऐसे ही लेते हो फ्लिपकार्ट से, तो इतनी प्राइस में आपको मिल जाएंगे 64,000-65,000 रुपये में। 64,000 रुपये का आपको जो है आईफोन 13 मिनी फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो वहाँ से लेना ज़्यादा सही रहेगा अगर आपको जो है पैसे बचाने हैं तो, और अगर आपको जल्दी ही लेना है, अभी लेना है, तो आप जाके ले सकते हो। 13 मिनी बहुत अच्छा फ़ोन है, सारे फीचर्स वही हैं जो आईफोन 13 प्रो में 13 में हैं, सिनेमेटिक मोड वगैरह। बाकी आपको रियर कैमरे में सिर्फ 2 कैमरे मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई आईफोन लेना है 13 सीरीज़ का, तो आपको बिग बिलियन डे सेल का इंतज़ार करना चाहिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते आईफोन्स मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें आईफोन 12 की, तो वो आपको 57,900 का पड़ेगा अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो। बाकी ये भी फ़ोन बहुत महंगा मिल रहा है यहाँ पर। सो गाइस, प्राइस मैंने आप लोगों को दिखा दी, काफ़ी महंगा है यहाँ पे। क्रोमा में हमेशा जो है आईफोन काफ़ी महंगे होते हैं अदर स्टोर्स की तुलना में। तो अगर आपको आईफोन लेना है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, आपको जो है बिग बिलियन डे सेल का इंतज़ार कर लेना चाहिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अगस्त सितंबर 2 से 2.5 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बाद सेल कोई ना कोई आ ही जाएगी फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे। और जैसे ही 14 सीरीज़ लॉन्च होती है वैसे ही थोड़ा बहुत और डिस्काउंट जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट आईफोन 13 सीरीज़ पे मिल जाएगा। तो जहां आपने थोड़ा इतना जो है इंतज़ार किया, वहां पे थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, आपको पैसे बच जाएंगे। उसी पैसे में आप जो है आईफोन के लिए कोई एसेसरीज़, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ जो है ख़रीद सकते हैं। आई होप आपको जो है कुछ समझ में आया होगा कि आपको जो है आईफोन के लिए लेना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।